दिल्ली सरकार यहाँ पर स्टेप मदर एटीट्यूड के साथ ये नगर निगमों के साथ व्यवहार कर रही है, एक सौतेली माँ जैसा व्यवहार हो रहा है। और इसके कारण ये सारे नगर निगम अपनी ड्यूटियों का, अपने दायित्वों का निर्वहन करने के लिए अपने आप को पर्याप्त संसाधनों से लैस नहीं पा रहे। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी दुनिया की सबसे छोटी पार्टी से डर के भाग गई। क्या कायर हो यार, हिम्मत है तो चुनाव लड़के दिखाओ बीजेपी वालों, मान जाएंगे तुम। बीजेपी नहीं चाहती चुनाव हो, बीजेपी चाहती है कि चुनाव खत्म हो जाए। चुनाव होने ही नहीं चाहिए, चुनाव गंदी बात है इनके हिसाब से, चुनाव गलत बात है इनके हिसाब से। एमसीडी के अंदर 15 साल इन्होंने जम के लूटा, लूटने के सारे दुनिया के रिकॉर्ड तोड़ दिए। गिनीज बुक वालों की मीटिंग चल रही है कि भारतीय जनता पार्टी का नाम आने वाला है गिनीज बुक के अंदर एमसीडी का और बीजेपी वालों का। शानदार इन्होंने परफॉर्मेंस किया है 15 साल के अंदर, इन्होंने लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लूटने के बाद जब जनता में त्राही त्राही मच गई, लोग दुखी हो गए 15 साल के इनके शासन के बाद, और जनता ने मन बना लिया कि इस बार इनको मजा चखाएंगे और गुस्सा जाहिर करेंगे। चुनाव आयोग ने ऐलान कर दिया कि हम आज शाम को 5 बजे, 9 तारीख को, 9 मार्च को शाम को 5 बजे आज चुनाव की डेट्स की घोषणा की जाएगी। 4 तारीख को प्रधानमंत्री के दफ्तर से फोन जाता है, चिट्ठी जाती है चुनाव कमिश्नर को, चुनाव रद्द कर दो। पूरी दुनिया के अंदर आज तक ऐसा नहीं होगा कि प्रधानमंत्री सीधे सीधे चुनाव कमिश्नर को फोन करके और चिट्ठी लिख के कहते हैं कि चुनाव रद्द कर दो। दिल्ली सरकार यहाँ पर स्टेप मदर एटीट्यूड के साथ ये नगर निगमों के साथ व्यवहार कर रही है, एक सौतेली माँ जैसा व्यवहार हो रहा है। और इसके कारण ये सारे नगर निगम अपनी ड्यूटियों का, अपने दायित्वों का निर्वहन करने के लिए अपने आप को पर्याप्त संसाधनों से लैस नहीं पा रहे। इसलिए ये जो बिल लेकर मैं आया हूं उसमें इतने उद्देश्य ये बिल के द्वारा मैं सदन के सामने रखना चाहता हूं। जो 3 नगर निगम है इसको एक कर फिर से एक बार दिल्ली नगर निगम एक बनाया जाए। संविधान के अनुच्छेद 239(a)(3)(c) के तहत इस देश की संसद को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा द्वारा बनाए गए किसी भी कानून को संशोधित करने का, उसके स्वरूप बदलने का या तो उसको निरस्त करने का अबाधित अधिकार है। मंत्री जी प्रस्ताव करें कि विधेयक को पारित किया जाए। जैसे मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक को पारित किया जाए। प्रश्न ये कि विधेयक को पारित किया जाए। जो सदस्य उनके पक्ष में आ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकार हुआ, विधेयक पारित हुआ।